तो स्वागत है गाइस आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है होटल का एक रिव्यू करने वाले हम। फिलहाल आप देख सकते हैं लोकेशन क्या है, होटल आनंद पैलेस, जो कि हमारे भदोही में बहुत ही मस्त होटल नया खुला हुआ है। और ये देख सकते हैं आप पीछे, जो कि उनका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। और इसके फाउंडर जो है चतुर्भुज गुप्ता जी हैं। और आइए चलते हैं अंदर, इसका होटल का रिव्यू करते हैं। बाकी इसके ओनर जो है शायद मौर्य जी हैं हमारे, सुनने में मुझे आया, मुझे उतना पता नहीं है। फिर भी मैं आया था कुछ काम से, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक क्लिप बना के डाल देता हूँ। और मुझे देखने में तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग को भी अच्छा लगे तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए होटल का रिव्यू करते हैं, आगे अंदर चलते हैं, देखते क्या हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये देख सकते हैं होटल आनंद पैलेस, बाहर से लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। अरे ये देखिए, ये रहा एंट्री गेट, इसी से एंट्री लेंगे। अभी तो डे टाइम का जो लुक आ रहा है, अभी आपके सामने थोड़ा बहुत अंधेरा है, रात में जब झूमर वगैरह चलेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अभी आप यहाँ से एंट्री लेंगे, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। तो गाइस अभी ले चुके हैं हम एंट्री, और अभी हम आपको दिखाएंगे फुल एक्सप्लोर करके इस होटल के अंदर का नज़ारा, बहुत ही प्यारा है। हमारे साथ हमारे सनी भाई हैं, जो कि हमारे मृत्युंजय भाई की शादी का थोड़ा बहुत काम धाम कर रहे हैं। हम लोग काम धाम करने आए थे तो सोचा इस होटल का भी एक ब्लॉग बना लेते हैं और डाल देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर से होटल का नज़ारा। एंट्री, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त लग रहा है लोकेशन। डे टाइम में इतना प्यारा लग रहा है तो नाइट में कितना अच्छा लगेगा। अब ये देखिए, आप जब एंट्री लेंगे आप तो यहाँ पे देखते हैं सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये रहा ऑफिस होटल आनंद पैलेस, वहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देख सकते हैं अंदर हॉल, अभी हॉल पे भी चलते हैं। अब ये देखिए भाई चल रहा है स्कूटर पे बैठने। ऐसा गाइस आप देख सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट भी है इस होटल में, और बहुत ही मस्त लग रहा है। ये देखिए भाई मेरा बैठ गया, और इनकी फोटो खींच देता हूँ भाई ये। और ये आप एंट्री जब लेंगे तो यहाँ पे झूमर वगैरह भी अच्छे से लगाया गया। आप लोग जो भी बुकिंग करेंगे तो जैसा पैकेज रहेगा वैसा आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही मस्त नज़ारा। आप चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं जहाँ पे जयमाल होगा, स्टेज दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप ये ऊपर जाने का रास्ता है, इधर वॉशरूम है, और ये रहा सामने स्टेज, ये एंट्री है, और मज़ेदार लुक है। ये देखिए चेयर वगैरह बहुत अच्छे से लगा हुआ है, लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 लोग तो बैठ ही सकते हैं आराम से। स्टेज देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे डेकोरेट किया जाता है, और बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए आई लव भदोही, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी मिलेगा आपको, और ये पीछे आपको केटरिंग की सुविधा है, यहाँ पे वॉशिंग वगैरह होती है, और कितना मस्त सजावट वगैरह है। ये डे टाइम का व्यू है, और यहाँ पे आप गेस्ट को बैठा सकते हैं। ये देखिए झूमर वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, लाइटिंग वगैरह बहुत प्यारा लग रहा है। और इस होटल का जो नाम है आनंद पैलेस है, इसका लोकेशन जो है नई बाज़ार चौराहा है, जो कि बनारस वाली रूट पे जाती है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रूट का स्टॉल भी लग रहा है। ये मेज़ वगैरह देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आनंद पैलेस में बुकिंग के लिए, और बाकी चीज़ें आप कांटेक्ट करने के बाद ही मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मस्त होटल है फॉर वेडिंग पर्पस।